परी की जादुई गोल्डन बाल। मेठीपुर नाम के गांव में परिधि अपनी माँ पूनम के साथ रहती थी। परिधि के माता पिता का तलाक हो गया था। तलाक के बाद परिधि की माँ बीमार रहने लगी थी, इसलिए अमीर घर में झाड़ू पोछा का काम करके परिधि घर का गुजारा करने लगी थी। परिधि दिखने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बचपन से ही उसके सर पर बाल नहीं थे, क्योंकि बचपन में परिधि ने केमिकल को तेल समझकर अपने बालों में लगा लिया था, जिसके बाद से वो हमेशा के लिए गंजी हो गई थी। परिधि की मालकिन उससे सुबह से शाम तक घर का सारा काम करवाती थी, लेकिन फिर भी बहुत कम पैसे देती थी। एक दिन काम करके परिधि अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे उसकी दोस्त शिखा मिलती है। अरे परिधि, तू तो मुझे आज कितने वक्त बाद नजर आई है, क्या कर रही है आजकल, जो मिलने का भी समय नहीं मिलता तुझे? कुछ नहीं, बस यहीं थोड़ी ही दूर पर एक घर है, वहीं झाड़ू पोछा का काम करती हूँ, इसलिए सुबह से शाम तक वहीं रहती हूँ। अच्छा, वैसे मैं भी तेरे ही घर जा रही थी, दरअसल मेरी छोटी बहन का बर्थडे है, इसलिए बर्थडे पार्टी में मैंने अपनी सभी सहेलियों को बुलाया है, तू भी समय से आ जाइयो। ठीक है शिखा, मैं जरूर आऊंगी। ओके बाय। इतना बोलकर शिखा चली जाती है। घर पहुंचकर परिधि तैयार होती है और शिखा की बहन के बर्थडे पार्टी में जाती है। बर्थडे पार्टी में सभी लड़कियां सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर आई थी, लेकिन परिधि ने घर के ही पुराने कपड़े पहन रखे थे। परिधि को पार्टी में देखकर वहां आई सभी लड़कियां हैरान रह जाती है। लगता इतनी बड़ी पार्टी में देखकर कोई भिखारन खाना मांगने आ गई है, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे घर के अंदर आ जाने की, इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालो। नहीं नहीं, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, बल्कि शिखा की दोस्त हूँ, शिखा ने ही मुझे पार्टी में बुलाया है। परिधि की ये बात सुनकर पार्टी में आई लड़कियां हंसने लगती है। तभी सिमरन शिखा से बोलती है, शिखा तुझे अगर इस गरीब गंजी लड़की पर इतना ही तरस आता है तो तू इसे कुछ पैसे दे देती, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी, तूने पार्टी में इसे बुलाकर हमारी बेइज्जती की है, अब हम सारी अमीर लड़के इस पार्टी से जा रही हैं। अरे नहीं यार, तू ये कैसी बात कर रही है, देख शिखा, अगर तू चाहती है कि हम पार्टी में रहे तो इस टकली को जाने के लिए बोल। शिखा परिधि को कुछ बोलती इससे पहले परिधि ही रोते हुए पार्टी से चली जाती है। अगले दिन परिधि अपनी मालकिन से बोलती है, मालकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल आ जाएं। मैंने सुना है कि हेयर एक्सटेंशन से बाल लाए जा सकते हैं। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुझे पता भी है हेयर एक्सटेंशन में कितने पैसे लगते हैं, तुझे बालों की क्या जरूरत, चल जा अपना काम कर। इतना बोलकर मालकिन वहाँ से चली जाती है। उसी दिन शाम को परिधि अपने घर जाकर सोचती है, अरे नहीं, मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकती, सब मेरा बहुत मजाक बनाते हैं और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अगर मैं बाहर नहीं गई तो घर का गुजारा कैसे चलेगा। परिधि की बातें सुनकर उसकी माँ बोलती है, बेटी तू किसी की बातों को इतना दिल पर मत लिया कर, लोगों की बातों को अनसुना कर दिया कर। नहीं माँ, ये मेरे से नहीं हो पाता है। अच्छा तो एक काम कर, जब भी घर से बाहर जाएगी तो सिर पर कपड़ा रख लियो। परिधि को अपनी माँ की तरकीब अच्छी लगती है और अगले दिन से वो अपने सिर पर कपड़ा रखकर बाहर जाने लगती है। परिधि अपनी मालकिन के घर जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ लड़कियां उसे देखकर हंसने लगती है, अरे देखो देखो गंजी जा रही है। अरे गंजी ने तो आज अपना सिर ढका हुआ है। लेकिन क्या फायदा, हमें तो इसकी असलियत पहले से ही पता है। इस तरह सभी लड़कियां परिधि का बहुत मजाक बना रही थी। परिधि जल्दी जल्दी वहां से जाने लगती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो रास्ते में गिर जाती है। परिधि को बहुत चोट आती है और वो रोने लगती है। वहीं से एक परी गुजर रही होती है और परी की नजर रोती हुई परिधि पर जाती है। अरे इस लड़की के पैरों से तो खून आ रहा है, अभी जाकर इसकी मदद करती हूँ। इतना सोचकर परी परिधि के पास जाती है। परी परिधि को उठाती है और अपने साथ परीलोक लेकर जाती है। तुम चिंता मत करो लड़की, मैं जल्दी से तुम्हारी ये चोट ठीक कर दूंगी। इतना बोलकर परी परिधि के पैर में कुछ जड़ी बूटी लगाती है।
जड़ी बूटी लगाने के बाद परिधि का पैर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी। अब आप मुझे पृथ्वी लोक वापस छोड़ दो। अगर मैं मालकिन के घर नहीं पहुँची तो वो मुझे काम से निकाल देंगी। रुक जाओ परिधि, मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। लेकिन कैसी मदद परी? मैंने देखा कि वहाँ कुछ लड़कियाँ तुम्हारा बहुत मजाक बना रही थी। मैं तुम्हें जादुई गोल्डन बाल देना चाहती हूँ। इतना बोलकर परी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ गोल्डन बाल प्रकट कर देती है। तुम ये गोल्डन बाल अपने सिर पर लगाओ और फिर थोड़ी देर बाद हटा देना। उसके बाद तुम्हारे असली लंबे काले घने बाल आ जाएंगे। और हाँ, तुम इसे अपने साथ अपने घर भी ले जा सकती हो। ये गोल्डन बाल तुम्हें हर रोज 10 सोने के सिक्के देंगे। परिधि गोल्डन बाल थोड़ी देर के लिए अपने सिर पर रखती है और फिर उसे हटाकर देखती है। परिधि अपने लंबे काले घने बाल देखकर बहुत खुश होती है। सच में परी, मेरे तो असली बाल आ गए। अब कोई भी मेरा मजाक नहीं बनाएगा। थोड़ी देर बाद परिधि जादुई गोल्डन बाल लेकर अपने घर लौट आती है। परिधि अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसके बाद परिधि जादुई बाल से कहती है, जादुई गोल्डन बाल, मुझे 10 सोने के सिक्के दो, जिसे बेचकर मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और मैं उन पैसों से अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। जादुई गोल्डन बाल वहाँ 10 सोने के सिक्के प्रकट कर देती है। उसके बाद परिधि सोने के सिक्कों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे घर ले आती है। कुछ दिनों बाद परिधि का ब्यूटी पार्लर बनकर तैयार हो जाता है। परिधि के ब्यूटी पार्लर में बहुत सारी लड़कियां और औरतें आती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्द अमीर बन गई। वहीं दूसरी तरफ परिधि की मालकिन सोच रही थी, अरे इतने दिन हो गए और ये परिधि आ क्यों नहीं रही है? जरा देख कर आऊं, कहीं मर तो नहीं गई। इतना सोचकर मालकिन परिधि के घर जाती है। वहाँ पहुँचकर मालकिन सोचती है, अरे यहाँ तो परिधि की झोपड़ी हुआ करती थी, फिर ये बड़ा सा घर कहाँ से आया? कहीं परिधि गांव तो छोड़कर नहीं चली गई? एक बार घर के अंदर किसी से पूछ कर आती हूँ। मालकिन घर के अंदर देखने लगती है, तभी उसे परिधि नजर आती है। परिधि के हाथ में बहुत सारे पैसे थे। इतने सारे पैसे देखकर मालकिन हैरान रह जाती है और सोचती है, इस लड़की के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और हाँ, ये तो गंजी थी, फिर इसके इतने लंबे बाल कैसे आए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना सोचकर मालकिन फिर घर के अंदर देखने लगती है। मालकिन देखती है कि परिधि जादुई गोल्डन बाल से बात कर रही थी। अच्छा, तो ये बात है, ये जादुई गोल्डन बाल की वजह से ही पैसों में खेल रही है। मुझे कैसे भी करके जादुई गोल्डन बाल हासिल करना होगा। इस तरह मालकिन जादुई गोल्डन बाल चुराने का फैसला कर लेती है। थोड़ी देर बाद परिधि अपने ब्यूटी पार्लर चली जाती है और उसके जाने के बाद मालकिन परिधि के घर घुस जाती है। घर के अंदर जाकर मालकिन जादुई गोल्डन बाल को हाथ लगाती है, तभी जादुई गोल्डन बाल मालकिन की खूब पिटाई करती है। अरे कोई बचाओ मुझे, कोई तो मुझे बचाओ, ये बाल तो मुझे मार मार कर मार ही डालेगी। हाँ सही कहा तूने, सच में मैं तुझे मार मार कर मार ही डालूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मुझे माफ कर दो, अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलकर मालकिन वहाँ से भाग जाती है। इस तरह फिर से हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद परिधि अपनी माँ और जादुई गोल्डन बाल के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। माँ की जादुई गोल्डन ड्रेस। एक समय की बात है, रमेश अपनी पत्नी सीता और अपनी बेटी ज्योति के साथ रहा करता था। उनका परिवार बहुत ही सुखी परिवार था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि उनके परिवार से खुशियां ही मिट जाती है। अचानक एक दिन सीता को दिल का दौरा पड़ता है। रमेश जैसे ही सीता को अस्पताल के लिए ले जाता है, रास्ते में ही सीता अपना दम तोड़ देती है। सीता के जाने के बाद ज्योति पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है। लेकिन ज्योति इस बात से अनजान थी कि उसके पिता ने पहले ही एक और शादी कर रखी है और उसकी एक आकांक्षा नाम की छोटी माँ भी है। साथ ही साथ उसकी ही उम्र की नेहा नाम की उसकी एक बहन भी है। एक दिन रमेश अपने साथ एक औरत और एक लड़की को लेकर घर आता है, जिसे देखकर ज्योति कहती है,
पापा, ये लोग कौन है? आपके मेहमान है क्या? नहीं बेटा, ये तुम्हारी छोटी माँ और तुम्हारी बहन है। मतलब आपने माँ के अलावा भी किसी और से भी शादी कर रखी थी? ये बहुत लंबी कहानी है बेटा, मैं तुम्हें किसी दिन फुर्सत से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए तो तुम इन लोगों को अपना लो। तुम्हारी ये छोटी माँ तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह ही प्यार करेगी। ज्योति बेटा, इधर आओ मेरे पास। लेकिन ज्योति बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ बैठकर अपनी माँ की यादों में रोने लगती है। यहाँ आकांक्षा रमेश से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, ज्योति ने अभी अपनी माँ को खोया है इसलिए इतनी नाराज है। समय के साथ साथ मुझे अपना लेगी, फिर से हमारा ये परिवार खुशहाल हो जाएगा। ऐसा कहकर आकांक्षा इमोशनल होने का ड्रामा करती है और रमेश का विश्वास पूरी तरह से जीत लेती है। आकांक्षा एक नंबर की चालाक औरत थी। वो हमेशा से ही रमेश की पहली पत्नी के मरने का वेट कर रही थी और जैसे ही सीता दम तोड़ती है उसकी तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। यहाँ दूसरी और आकांक्षा रमेश के सामने ज्योति से प्यार करने का दिखावा करती और पीठ पीछे ज्योति पर अत्याचार करती है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन, ये तो अच्छा हुआ कि ज्योति की माँ पहले इस दुनिया से चली गई, मेरा काम आसान करके। बस अब इस ज्योति को किसी तरह इस घर से बाहर निकाल दूं, तो हम तीनों यहाँ खुशी खुशी रह पाएंगे। लेकिन ये ऐसे तो यहाँ से जाएगी नहीं, मुझे कुछ न कुछ तरकीब तो लगानी होगी। इस काम में आकांक्षा अपनी बेटी को भी शामिल कर लेती है और उसे कहती है, देख नेहा, मैंने कुछ पुरानी कॉपी किताबें निकाल कर रख दी है और इन्हें फाड़ भी दिया है। तेरे पापा बाहर बैठे हैं, मैं भी बाहर जा रही हूँ, तू 10 मिनट बाद बाहर आना और कहना कि ये सब ज्योति ने किया है, ठीक है ना? ठीक है माँ। आकांक्षा बाहर चली जाती है और वहाँ आराम से बैठ जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। थोड़ी देर बाद नेहा वहाँ रोते हुए आती है। क्या हुआ नेहा, तुम रो क्यों रही हो? फटी हुई कॉपी किताबों को रमेश को दिखाते हुए नेहा कहती है, देखो पापा, ज्योति दीदी ने मेरी कॉपी किताबों के साथ क्या हाल कर दिया। मैं तो बस उनसे पढ़ाई में मदद लेने ही गई थी, लेकिन उन्होंने गुस्से में मेरी कॉपी किताबों का ये हाल कर दिया और मुझे धक्का मार कर कमरे से बाहर निकाल दिया। इससे पहले कि रमेश कुछ कहता आकांक्षा बोल पड़ती है, अरे नेहा, ये बात भी कोई पापा को बताने वाली है? मैंने तुम्हें बताया है ना, अभी ज्योति थोड़ा परेशान है, उसे थोड़ा समय दो। परेशान होना अलग बात होती है और अपने से छोटों के साथ इस तरह बर्ताव करना अलग। ये ज्योति ने बिल्कुल भी सही नहीं किया। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगी। ऐसा कहकर आकांक्षा मन ही मन मुस्कुराने लगती है और फिर इसके बाद अपनी एक और चाल चलती है और एक थाली में खाना लेकर ज्योति के कमरे में जाती है जहाँ ज्योति होती ही नहीं है। रमेश ज्योति के कमरे के बाहर ही बैठा था इसलिए आकांक्षा तेज आवाज में कहती है, ज्योति बेटा, कब तक तुम ऐसे परेशान रहोगी? मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है, इसे खा लो। तुम उसे गुस्सा हो, खाने से तो नहीं, कम से कम अपना गुस्सा खाने पर तो मत निकालो। इसके बाद आकांक्षा खुद ही थाली उठाकर कमरे से बाहर फेंक देती है और फिर कहती है, ज्योति बेटा, ये बहुत ही गलत बात है, तुम्हें खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके बाद आकांक्षा आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर निकलती है। रमेश अपने सोफे से उठता है और ज्योति के कमरे की तरफ जाने लगता है कि तभी आकांक्षा उसे रोक लेती है। मुझे छोड़ दो आकांक्षा, बहुत हो गया। ज्योति की सौतेली माँ होकर भी तुम उसे सगी माँ से ज्यादा प्यार दे रही हो, लेकिन ये है कि इतने ड्रामे करे जा रही है। आप गुस्सा मत होइए, बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। बच्ची बच्ची कहकर तुमने इसे बहुत बचा लिया है, अब और नहीं, मैं इसे बोर्डिंग स्कूल में भेज रहा हूँ, वहाँ जाएगी तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। रमेश के ये बात सुनते ही आकांक्षा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। किसी तरीके से ये बात ज्योति को पता चल जाती है और वो उदास होते हुए कहती है, माँ देखो ना, आपके जाने के बाद यहाँ क्या क्या हो रहा है, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? इसके बाद रोते रोते ज्योति सो जाती है कि तभी उसके सपने में उसकी माँ सीता आती है और कहती है, मुझे माफ कर दो बेटी, शायद ये सारी गलती मेरी ही है, लेकिन तुम अब चिंता मत करो, अब तुम्हें ये सब और सहना नहीं पड़ेगा।
मैंने तुम्हारे लिए मेरी माँ की दी हुई जादुई गोल्डन ड्रेस स्टोर रूम के एक बैग में रखी है। तुम जाकर उसे वहाँ से निकाल लो, वो तुम्हारी बहुत मदद करेगी। इसके बाद अचानक से ज्योति की नींद टूट जाती है और वो जल्दी से भागकर स्टोर रूम में जाती है और वहाँ रखे बैग को खोलकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो सच में एक गोल्डन ड्रेस है, मतलब माँ सच में मेरे सपने में आई थी, वो सब सच था, थैंक यू सो मच माँ। इसके बाद ज्योति उस गोल्डन ड्रेस को लेकर अपने कमरे में आ जाती है और उसे अपनी अलमारी में रख देती है और फिर जाकर सो जाती है। अगले दिन जब ज्योति स्कूल गई होती है तो कांशा तिजोरी की चाबी ढूंढ रही होती है, जिसके लिए वो पूरा घर छान मारती है और इसके बाद वो ज्योति के कमरे में जाती है कि तभी उसे ज्योति के अलमारी में वो गोल्डन ड्रेस दिखाई देती है, जिसके बाद वो कहती है, क्या बात है, इस फर्टीचर से ज्योति के पास इतनी प्यारी सुंदर और गॉर्जियस सी गोल्डन ड्रेस रखी है, इसने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। कोई नहीं, अब ये मेरे हाथ लग गई तो मेरी ही होगी। इसके बाद आकांक्षा उसे अपने कमरे में ले जाती है और पहन लेती है, लेकिन उस ड्रेस को पहनते ही आकांक्षा के पूरे शरीर में छाले निकलने शुरू हो जाते हैं। उसका पूरा शरीर खुजलाने लगता है और वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है और चिल्लाई जा रही होती है, हे भगवान, मेरे शरीर पर छाले कैसे निकल आए और ये खुजली कैसे हो रही है। इसके बाद जल्दी से आकांक्षा उस ड्रेस को निकाल कर फेंक देती है और अपने पहले वाले कपड़े पहन लेती है। फिर जैसे ही आकांक्षा पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसी गोल्डन ड्रेस में एक काला साया है, जिसे देखकर आकांक्षा जोर से चिल्लाती है, भूत भूत बचाओ मुझे भूत, कि तभी वो काला साया कहती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है वरना मैं तेरी आवाज छीन लूंगी, मैं ज्योति की माँ हूँ, तूने मेरी बच्ची को बहुत परेशान किया है, यहाँ तक कि मेरे पति के आगे झूठा ड्रामा करके मेरी बच्ची को बोर्डिंग स्कूल तक भेज रही है, तुझे क्या लगा कि मैं मर गई हूँ तो क्या अपनी बच्ची का ख्याल भी नहीं रख सकती, अब जो तूने किया है उसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी ज्योति को परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तुझे माफ कर दूंगी, लेकिन तुझे आज ही रमेश के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बतानी होगी कि तूने आज तक कितने ड्रामे किए हैं। इसके बाद वो साया वहाँ से गायब हो जाती है और आकांक्षा जल्दी से रमेश के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है, जिसके बाद रमेश कहता है, तुम एक बच्चे को अपने पेट में लेकर आत्महत्या करने जा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया और तुमसे शादी की, और तुम्हारी ये बात मैंने अपनी पत्नी से भी छुपाई, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, और तुमने उसी के बच्ची के साथ ऐसा किया और मुझे तक धोखे में रखा, तुमसे बड़ा धोखेबाज तो मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखा, अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। रमेश की ये बात सुनकर आकांक्षा उसके पैरों में पड़ जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आपने मुझे सहारा दिया और मैं अब आपकी बच्ची को ही बेसहारा कर रही थी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं ज्योति को सच में अपनी बच्ची की तरह ही प्यार दूंगी। तभी वहाँ पर ज्योति आ जाती है और आकांक्षा को रमेश के पैरों में से उठाते हुए कहती है, पापा, छोटी माँ को अपने की का एहसास हो चुका है और जिसे गलती का पछतावा होता है वो कभी गलती दोहराता नहीं है, प्लीज आप छोटी माँ को माफ कर दीजिए। देख लिया, जिसके साथ तुमने इतना बुरा सलूक किया, जिसे तुमने इस घर से निकालने तक की नौबत पर ला दिया, वो तुम्हें इस घर से जाने से रोक रही है। इसके बाद आकांक्षा ज्योति से भी माफ़ी मांगती है और ज्योति बड़ा दिल रख आकांक्षा को माफ़ भी कर देती है, जिसके बाद आकांक्षा ज्योति को अपनी बच्ची जैसा ही प्यार करने लगती है और वो परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। जादुई नदी की जादुई ड्रेस। एक समय की बात है, भोपाल नाम के एक शहर में मोहिनी अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। मोहिनी का परिवार एक बहुत ही सभ्य परिवार था, उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, वे लोग खुशी खुशी रहा करते थे, अच्छे घर में रहते थे, अच्छा खाना खाते थे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करते थे और हर वेकेशन पर बाहर घूमने भी जाया करते थे। ऐसे ही एक वेकेशन पर वे लोग घूमने गए थे
जहां मोहिनी बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही समय की मेहमान थी, क्योंकि मोहिनी और उसके माता पिता जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं उसमें अचानक आग लग जाती है, जिससे वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और रेस्टोरेंट में लगी आग में बहुत सारे लोगों के साथ साथ मोहिनी के माता पिता भी जल जाते हैं और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। आग को बुझाने वाले किसी तरह से मोहिनी को बचा लेते हैं, लेकिन इस हादसे में मोहिनी अपने माता पिता को हमेशा हमेशा के लिए खो देती है। मोहिनी के माता पिता बहुत अमीर थे, इसलिए उनके रिश्तेदार मोहिनी के जरिए उसके माता पिता की प्रॉपर्टी हथियाने की साजिश में लग जाते हैं। इसलिए मोहिनी की एक चाची मोहिनी से कहती है, मोहिनी बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे माता पिता चले गए तो क्या हुआ, हम तो जिंदा है ना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, आज से तुम अपने चाचा और चाचे के साथ रहोगी। ठीक है चाची जी। मोहिनी के चाचा और चाची दोनों मिलकर मोहिनी के माता पिता की प्रॉपर्टी हथियाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, एक रुपया तक हाथ नहीं आया बल्कि अपना पैसा और चला गया। अरे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे मुझे लगा था मेरा भाई कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हमारे नाम करके गया होगा, या तो उसके मरने के बाद उसके रिश्तेदार यानी कि हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो सारी प्रॉपर्टी गरीब और अनाथों के नाम पर कर रखी है, अब हमारे हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं आएगी। सत्यानाश हो, मतलब हम इतने दिनों से जो पागलों की तरह फिर रहे थे और इस मोहिनी के बच्चे को ठाट बाट से रख रहे थे, उसका कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या करना है, इस मोहिनी का इसे मुफ्त की रोटियां तो यहाँ बैठा कर खिला नहीं सकते। अब तुम ही देख लो इसका क्या करना है। ऐसा कहकर मोहिनी के चाचा वहाँ से चले जाते हैं। तभी मोहिनी की चाची मन ही मन सोचती है और कहती है, चलो कोई नहीं, प्रॉपर्टी ना सही तो जिंदगी भर के नौकरानी ही सही। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। पहले तो मोहिनी की चाची उसे बड़े प्यार से रखती थी, लेकिन जब से उसे प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है तो उसका व्यवहार मोहिनी के प्रति बदलने लगता है। धीरे धीरे वो मोहिनी को अपने साथ घर के कामों में हाथ बटाने के लिए कहती है और फिर सारे काम का बोझ मोहिनी पर ही डाल देती है। यहाँ तक कि मोहिनी की चाची की बेटी का भी काम मोहिनी ही करने लगती है। उसके कपड़े धोना, उसका स्कूल बैग रेडी करना, उसके कमरे का ध्यान रखना, इन सब की जिम्मेदारी मोहिनी की ही थी। जब इन सब चीजों से मोहिनी की चाची का पेट नहीं भरता तो वह मोहिनी का स्कूल भी छुड़वा देती है। बेचारी मोहिनी अपनी चाची के इस व्यवहार से बहुत दुखी होती थी, इसलिए वो अपनी चाची के घर के सामने वाली नदी के पास जाकर बैठ जाती थी और अपने मन का सारा दुख रो कर निकाल लिया करती। ऐसे ही एक दिन, क्या करूं भगवान, समझ नहीं आता, आपने जो पहले मुझे जिंदगी दी थी उसके लिए आपका धन्यवाद करूं, या अब जो जिंदगी आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए मैं आपसे शिकायत करूं? लोग परायों पर कैसे ही विश्वास करेंगे जब अपने ही इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मैंने सोचा था चाची जी मुझे माँ की तरह प्यार करेंगी, पर माँ तो छोड़ो, ये तो मुझे एक नौकरानी समझती हैं। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? ऐसा कहकर मोहिनी फूट फूट कर रोने लगती है और फिर अपना मन हल्का करके वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, रुको मोहिनी। मोहिनी पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वो वापस जाने लगती है। लेकिन फिर से आवाज आती है, रुको मोहिनी, मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। अब जब मोहिनी पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि नदी की है। मोहिनी, जब जब तुम यहाँ आती हो और अपना दुख प्रकट करती हो, मुझे तुम पर बहुत ही दया आती है, और ये सुनकर और बुरा लगता है कि तुम्हारे दुख सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हारी बातें भी सुनूंगी। अरे तुम तो एक नदी हो, फिर तुम बोल कैसे सकती हो? मोहिनी, मैं एक जादुई नदी हूँ, मैं बोल भी सकती हूँ और जादू भी कर सकती हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए तुम उसे मांग सकती हो, अगर विश्वास नहीं है तो मुझे आजमा कर देख लो। अच्छा ठीक है, वैसे मेरी चाची ने मुझे बहुत दिनों से ढंग से दो वक्त का खाना भी नहीं दिया है,
मैं भूखे पेट ही सारा घर का काम करती हूँ। अगर मुझे पेट भरने के लिए खाना मिल जाए तो मैं तुम्हारी आभारी रहूँगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। नदी के ऐसा कहते ही मोहिनी के सामने बहुत सारा स्वादिष्ट और मनमोहक खाना प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर मोहिनी कहती है, इतना लजीज खाना तो मैंने आखिरी बार अपने माता पिता के साथ ही खाया था। प्रिय नदी, तुमने तो मुझे मेरे माता पिता के होने का एहसास करा दिया। सच में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मोहिनी पेट भरकर खाना खाती है। अब ये सिलसिला जारी रहता है। मोहिनी को जब भी अपने मन की बात करनी होती या फिर किसी भी चीज की मदद होती तो वो बेझिझक जादुई नदी के पास चली जाती, और जादुई नदी भी एक सच्ची सहेली की तरह हमेशा मोहिनी की मदद करती। धीरे धीरे समय बीतता है और मोहिनी बड़ी हो जाती है, परंतु मोहिनी की चाची का व्यवहार उसके प्रति वैसा का वैसा ही रहता है। ऐसे ही एक दिन जब मोहिनी नदी के पास बैठकर उसे बातें कर रही होती है कि तभी उसकी चाची उसे आवाज लगाती है, मोहिनी, अरे ओ मोहिनी, कहाँ रह गई? अच्छा जादुई नदी, अब मैं चलती हूँ, चाची आवाज लगा रही हैं, जरूर कुछ काम होगा। मोहिनी भागकर घर में आती है। मोहिनी को देखकर उसकी चाची कहती है, तू बार बार कहाँ चली जाती है? तुझे आवाज मारते रहो लेकिन तू सुनते ही नहीं है। कुछ नहीं चाची, अब बस वो मैं नदी के पास बैठी थी, वहाँ बैठकर मन को सुकून मिलता है। हाँ, तुझे वहाँ बैठकर सुकून मिलता है और यहाँ मैं गला फाड़ फाड़ कर अपना सुकून खराब करती रहूँगी, है ना? नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। अच्छा वैसे आपने मुझे बुलाया किस लिए था? हाँ, तेरी बड़बड़ के चक्कर में मैं तो वो भूल ही गई। अच्छा सुन, आज बाजार जाकर सामान ले आ और एक अच्छा सा खाना तैयार कर जिसमें अलग अलग तरह के पकवान हो और खाने में स्वाद भरपूर हो। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, और एक और बात, इस घर को अच्छे से साफ कर दे और हो सके तो सजा भी दे। चाची आज तो कोई त्योहार भी नहीं है और ना ही किसी का बर्थडे है, फिर ये सब तैयारी किस लिए? तुझे तो बिना रोके टोके कोई काम करना है ही नहीं, पूछ रही है इसलिए बता देती हूँ। मेरी बेटी यानी कि तेरी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के वाले बहुत ही अमीर है और बहुत ही क्लासी लोग है, इसलिए मैं चाहती हूँ उनके सामने हर चीज टिप टॉप हो। और हाँ सुन, सारा काम खत्म होने के बाद अपनी बहन की पहनने वाली ड्रेस अच्छे से इस्त्री कर देना। मैं सब कुछ कर दूंगी चाची, लेकिन। लेकिन क्या? मेरे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं, बल्कि जो कपड़े हैं वो भी फटे हुए हैं, तो क्या मैं दीदी के कपड़े पहन सकती हूँ? मोहिनी की चाची जानती थी कि मोहिनी उसकी बेटी से देखने में ज्यादा सुंदर है, और लड़के वालों ने अगर मोहिनी को देख लिया तो वो उसकी बेटी को देखेंगे भी नहीं, इसलिए वो गुस्से में मोहिनी से कहती है, तुझे जरूरत भी नहीं है अच्छे से कपड़े पहनने की, लड़के वाले मेरी बेटी को देखने आ रहे हैं, तुझे नहीं, समझी? बेचारी मोहिनी उदास होकर काम में लग जाती है और सारा काम करने के बाद अपनी उदासी लेकर जादुई नदी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। ये तो तुम्हारी चाची ने बिल्कुल भी सही नहीं किया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। ऐसा कहकर जादुई नदी एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी ड्रेस प्रकट करती है और मोहिनी को देते हुए कहती है, ये लो मोहिनी, ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा अनमोल है, इसमें मेरी नदी के सीप और मोती लगे हैं, इसे पहनकर तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगोगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई नदी। इसके बाद मोहिनी वापस घर आ जाती है। कुछ देर में लड़के वाले आ जाते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है। लड़के वाले जैसे ही खाना शुरू करते हैं, वो खाने की तारीफ करते रुकते नहीं हैं, और तभी लड़का बोल पड़ता है, क्या बात है, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, सच कह रहा हूँ, जिसने भी ये खाना बनाया है उसके हाथ में जादू है, क्या मैं जान सकता हूँ ये खाना किसने बनाया है? मोहिनी बहुत ही भोली थी, उसे पता ही नहीं था कि उसकी चाची उसे खाना बनवाकर अपनी बेटी का नाम लेने वाली है, इसलिए लड़के के पूछने पर भोली मोहिनी रसोई से बाहर आकर कहती है, ये खाना मैंने बनाया है, आप लोगों को पसंद आया ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, अगर आपको और कुछ खाना है तो वो भी बता दीजिए, मैं अभी बना दूंगी। मोहिनी को देखकर वो लड़का मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि मोहिनी जादुई नदी की दी हुई उस ड्रेस में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। इसके बाद वो लड़का उठता है और कहता है,
माँ, अगर मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से, वरना मैं कभी भी किसी और से शादी नहीं करूँगा। लड़के के परिवार वालों को भी मोहिनी का रंग रूप और उसके गुण बहुत पसंद आते हैं, इसलिए वो मोहिनी को अपने बेटे के लिए चुन लेती हैं। इसके बाद मोहिनी लड़के का हाथ पकड़कर उसे नदी के पास ले जाती है और जादुई नदी से कहती है, जादुई नदी, मैं इस लड़के से शादी करने वाली हूँ, क्या तुम मुझे अपना आशीर्वाद दोगी? मोहिनी, तुम पहले भी बहुत अमीर थी, दिल से भी और पैसों से भी, लेकिन एक हादसे ने तुम्हें यहाँ लाकर रख दिया, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई हमेशा बरकरार रही, इसलिए तुम अपनी ऐसी जगह पर वापस जा रही हो। ये लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। ऐसा कहकर जादुई नदी मोहिनी और उस लड़के को आशीर्वाद देती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है और मोहिनी उस लड़के के घर चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों तथा उनका पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।